नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स का डिवाइड यानी कि डिवीजन, दो नंबर को भाग किस तरह से कर सकते हैं। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिवाइड का प्रोग्राम बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करानी होगी और उसके बाद कराना होगा मेन फंक्शन। अब अपने ने क्या करा है यहाँ पर, फ्लोट ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 2 और एक सी ले लिया। ये हमारा सी वो वेरिएबल है जिसमें हम ए और बी को डिवाइड करके स्टोर कराने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्लोट लिया है क्योंकि हो सकता है कोई नंबर ऐसे हो जिनको डिवाइड कराने पर जो भी आउटपुट आए वो फ्रैक्शन में आए या पॉइंट में आए, इस वजह से हमने यहाँ पर इसमें फ्लोट यूज़ किया है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए डिवाइड बाई बी और उसको स्टोर करा दिया हमने सी में। उसके बाद लिख दिया प्रिंट एफ में डिवीजन इज परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ इस वजह से लिखा है क्योंकि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एफ है, और कॉमा करके लिख दिया सी। दैट मीन जो भी हमारा सी में आउटपुट आएगा ए डिवाइड बाई बी का, वो हमारा परसेंटाइल एफ से रिप्लेस हो जाएगा। तो आंसर इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइड इज और 18 अपॉन 2 जो भी होता हो यानी कि 9, तो डिवाइड इज 9, ये आंसर आएगा। आइए इसे कंपाइल और रन करा कर देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल कराते हैं, और कंपाइलेशन पर देखा हमने 0 एरर है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, और अब इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए रन करा रहे हैं, और रन कराने पर लिखा गया डिवीज़न इज 9.0000। तो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे कि हमारा फ्लोट का यूज़ एकदम सार्थक हो जाए। जैसे 18.9 डिवाइड बाई 2, इसको करके देखते हैं। देखिए अब आउटपुट दिखा रहा है डिवीजन इज 9.4500, यानी कि हमारा दोनों बार इंटीजर वैल्यू ने या फ्लोट वैल्यू ने हमारा आउटपुट और हमारा प्रोग्राम बिल्कुल दोनों कंडीशंस में सही है। तो दोस्तों ये था हमारा डिवीजन का प्रोग्राम। तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू देखते हैं इस वीडियो का, कि जो हमने यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ किया है वो है फ्लोट डेटा टाइप का, जिससे कि हम अगर इंटीजर वैल्यू भी दे रहे हैं यानी कि पूर्णांक में वैल्यू दे रहे हैं या फिर कोई पॉइंट डेसिमल नंबर वाली वैल्यू भी दे रहे हैं तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएं। और जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है वो किया है सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, यानी कि सी इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ए को डिवाइड करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी हमारी सी में, और उसको हमने प्रिंट कर दिया है प्रिंट एफ के थ्रू कि डिवीजन इज परसेंटाइल टी कॉमा सी, यानी कि सी में जो भी वैल्यू होगी वो किसकी प्लेस पर आ जाएगी, परसेंटाइल डी की प्लेस पर। तो ये था डिवीजन का प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्सअप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी सी प्रोग्राम सीख सकें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।